उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते दिनों हिंसा हुई। इसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। राम गोपाल के साथ हिंसा वाले दिन क्या हुआ था, इसे लेकर कई तरह की पुष्ट या अपुष्ट खबरें लगातार सामने आती रही हैं और अब इन सब खबरों पर बहराइच पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए। एक पोस्ट में तो ये बताया कि सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो लोग ये ऐसे दावे कर रहे हैं, जो भ्रामक हैं, उन पर अब कार्रवाई होगी। पुलिस ने लिखा, जनपद बहराइच में विगत दिनों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक एवं झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा गलत तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लिखकर प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी गलत तथ्यों पर आधारित सभी भ्रामक पोस्ट को गंभीरतापूर्वक लेते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी को हिदायत दी जाती है कि कृपया प्रशासन द्वारा जारी किए गए तथ्यों से भिन्न झूठी सूचना को प्रसारित न करें। साथ ही मृतक राम गोपाल के बारे में भी जो खबरें, जो जानकारियां बीते दिनों सामने आई हैं, उस पर भी पुलिस ने अपनी टिप्पणी की। लिखा, दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में एक घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। दरअसल राम गोपाल की मौत और सोशल मीडिया रिपोर्ट को लेकर कुछ चैनलों और वेबसाइट के माध्यम से कुछ जानकारियां बीते दिनों सामने आई थी। पुलिस ने अब जो स्पष्टीकरण दिया है, ये उन्हीं जानकारियों के संबंध में है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राम गोपाल के शरीर में 30 से ज़्यादा छर्रे लगे होने की बात निकली थी। दावा यह भी किया जा रहा था कि उसके पैर के कुछ नाखून उधड़े हुए थे। अब बहराइच पुलिस ने इस बात का खंडन किया है। इस संबंध में अन्य पक्षों का क्या कहना है, वो भी जान लीजिए। जिले के CMO संजय कुमार को सुनिए। मेरी जानकारी के अनुसार 25-30 छर्रे उनको लगे, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावे बाईं आंख के ऊपर एक फटा चोट है एवं दोनों पैर के अंगूठों में भी चोट के निशान हैं। आपने कहा अंगूठों में चोट के निशान है। एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि जो है बॉडी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया है, या तो शव जो है अगर मर भी गए थे उसके बाद, क्या नाखून खींचने जैसा कुछ है पैर का, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अब इतनी डिटेल में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अंगूठे के मध्य भाग से थोड़ा कम डैमेज है, नाखून चोट है वहाँ। लग रहा है कि खिंचा हुआ है या चोट, अब ये दावे के साथ नहीं बता सकते। चोट है इतना पता चल रहा है, अब खींचने से हुआ है या किसी और चीज से, ये तो जो डॉक्टर साहब लोग किए हैं पोस्टमार्टम वो डिटेल बता सकते हैं। और एक थ्योरी आ रही थी कि चाकू भी कहीं पेट पर, ये खबर गलत है। बहराइच की स्थिति और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जिले के SP ग्रामीण का भी बयान आया है, वो भी सुनिए। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, जैसे करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने लेकर क्या 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 सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास हैं। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, ना ही भ्रामक सूचना फैलाएं। देखिए, अब तो पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो गई है। जितने संवेदनशील पॉइंट हैं वहाँ PSC की और सिविल पुलिस की ज्वाइंट पुलिस गठित करके वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है और बाकी सभी जो हमारे कस्बे हैं, विशेष करके हमारा बहराइच का जो एरिया है सिटी का, यहाँ पर हम लोग PSC के साथ पूरा फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो और किसी तरह की कोई अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं
उनमें डर भय पैदा हो और उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। बहराइच हिंसा से जुड़े कुछ और भी अपडेट्स सामने आए हैं। अब तक कुल 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। बहराइच के हरदी थाने में 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, वहीं शहर कोतवाली में 2 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से कुछ मुकदमे पुलिस ने पूरे इलाके में आगजनी, बवाल और दंगा करने वालों के खिलाफ दर्ज किए हैं। वहीं कुछ मुकदमे मुस्लिम समुदाय की तरफ से आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट के दर्ज कराए गए हैं। एक मुकदमा जो मृतक के परिवार की तरफ से हत्या करने वालों के खिलाफ भी दर्ज कराया गया था, उस मामले में दानिश उर्फ शहीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में हुई पहली एफआईआर में जिस मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का नाम दर्ज था, वो और उसके दोनों बेटे अब भी फरार हैं। हरदी थाने में दर्ज हुई दूसरी एफआईआर के आरोपी सलमान भी अभी फरार है। ये जानकारियां जुटाकर खबर लिखी है शुभम ने। कैमरे के पीछे मयंक, देखते रहिए लल्लन टॉप।